30, waist at 26, neck at front neck 5.5 and back neck at 8 inches, sleeves की length है 4 and sleeves की bottom से 10 inches. तो आइए हम cutting start करते हैं और इस पे आपको हमारे इस चैनल में वीडियोस पे सबटाइटल मिलेंगे इंग्लिश के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किया हुआ है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और आप खुद सीखे और जो सीखने वाले हैं उन तक इस चैनल के लिंक पहुँचाए ताकि हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और इनसे बहुत अच्छा सीख सकें. यहाँ पे हम अपने ब्लाउज का बैक साइड पार्ट पहले कटिंग करेंगे. बैक साइड पार्ट की तैयारी हमें लेंथ चाहिए 13 इंच और इसमें मैं हाफ इंच प्लस करूंगी, तो ये हो गया 13 प्लस हाफ इंच. अब देखो ये यहाँ पे हमारी लेंथ हो गई है. अब मैं आपको एक बात अच्छी बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा और सुनेगा, और जब आप ब्लाउज बनाओ तो ध्यान भी रखिएगा, और क्योंकि सभी साइजों में ये चेंज होगा तो मैं आपको सभी साइजों में बताती जाऊंगी. यहाँ पे मैं 30 साइज की हम कटिंग कर रहे हैं और ये दोनों देखो 30 साइज है. यहाँ पे आप बोट नेक बना रहे हो और यहाँ पे आप यू शेप नेक बना रहे हो. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं शोल्डर कितना लूंगी, शोल्डर किसे कहते हैं, ये जो हमारे सबसे पहले होंगे ये होंगे शोल्डर. तो यहाँ पे हमने मैंने कितने लिए, इसमें 6.25 इंच कितना लिए, यहाँ पे 6.25 इंच शोल्डर लिए हैं. और नेक विड्थ, नेक विड्थ किसे कहते हैं, जो नेक की चौड़ाई होती है हमारी उसे हम नेक विड्थ कहते हैं. तो यहाँ पे हमारी नेक विड्थ कितनी हो गई, 3.5 इंच. ठीक है, ये किसके लिए हुआ है, बोट नेक के लिए. ये जो हमने मेजरमेंट किया ये हमारा बोट नेक के लिए है. अब मान लीजिए मुझे यू शेप बनाना है तो यू शेप में मैं 30 साइज के लिए शोल्डर कितना लूंगी, देखिए आपके सामने है 4.75 और मेरे बहुत सारी यहाँ पे कटिंग भी है, आप देख सकते हैं यू शेप के अंदर, नॉर्मल नेक के अंदर 30 साइज में कटोरी का ब्लाउज हो, चाहे बेल्ट का ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट का हो, 30 साइज में हम नॉर्मल नेक बनाते हैं, यू शेप नेक बनाते हैं गोल वाला, तो वहां पे हम जो शोल्डर लेते हैं वो इतना ही लेते हैं 4.75 और जो नेक विड्थ यानी जो नेक की चौड़ाई होती है वो हम 2.25 लेते हैं. तो ये दोनों आप मेजरमेंट ध्यान रखिएगा कि जब बोट नेक बनाओ तो आपको ये वाला मेजरमेंट लेना है, जब आप यू शेप नेक बनाओ, वी शेप बनाओ, आपका बैक नेक ऑफ खुला हो, ओपन हो, ऑफ हो, तब ये वाला मेजरमेंट लेना. जब आपका बैक नेक ऑफ हो तो ये वाला मेजरमेंट, बैक नेक ओपन हो, आगे का नेक ओपन हो, और जो भी कुछ भी आप करना चाहते हो, जो भी शेप देना चाहते हो, तो ये वाले शोल्डर आपके और नेक विड्थ, नेक की चौड़ाई काम में लेनी है. ये सिर्फ आपको बोट नेक में ही काम में लेना है, या फिर हाई नेक ब्लाउज होता है, बैक साइड से बिल्कुल बंद होता है, तो उसमें आप ये साइज काम में ले सकते हैं. तो अब हम आगे का अपनी कटिंग करते हैं. बैक साइड की और फ्रंट की यहाँ पे जो नेक होगा वो एकदम इक्वल होगा, बराबर होगा. तो यहाँ पे मैंने 3 इंच नेक की लेंथ ली है और चौड़ाई मैंने आपको बता दी 3.50. इसको आप मिला दीजिए, ये हमारा डब्बा बन चुका है और इसको हम बोट नेक कुछ इस प्रकार से सीधा बना लेंगे, तो ये हमारा ऐसे बोट नेक हो जाएगा. तो अब मैं आपको प्रिंसेस कट के आगे के पार्ट्स की बताती हूँ कि आप ये जो मैंने कटिंग की है इसकी वीडियो आप फुल देखना चाहते हो तो इसके नीचे लिंक दी हुई है, फुल आप इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हो 30 साइज की और बोट नेक की. और मैं आपको इसमें ये बता रही हूँ भाग्य कि हमें ये जो पार्ट है हमारे प्रिंसेस कट के, इनको कपड़े पे कैसे कटिंग करना चाहिए, चाहे वो 30 साइज के पार्ट हो, चाहे वो 40 साइज के पार्ट हो, या फिर चाहे वो 48 साइज के पार्ट हो, आप इनको कपड़े पर रख करके कैसे कटिंग करेंगे फर्मा कटिंग करने के बाद में. तो आइए देखते हैं ये जो तीनों पार्ट्स हैं, आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. करते हैं जैसे हमारा फर्मा कटिंग है, अब ये हमारे बिग प्रिंसेस कट पार्ट्स है 2 पीस और ये वाला जो है वो 3 पीस हो गया है. ठीक है, तो ये क्रोस पट्टी जो है बिल्कुल आप बराबर कटिंग करेंगे क्योंकि इसमें हमने सब ऐड किया हुआ है, नीचे की तुरपाई को छोड़ करके यहाँ की स्टिचिंग का भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है. ये इतना इसका है और इतना इसका, वो फर्मा कटिंग में मैंने आपको बताया है. तो अब देखिये ये जो पार्ट होते है ना, दो इस पार्ट को आपको यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ये,
तो ये मैंने क्वार्टर इंच यहाँ पे दोनों में एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि जब आप इस पार्ट को इस पार्ट से जॉइंट करेंगे तो आपको जो स्पेस चाहिए होगा, जो कपड़ा जो फेब्रिक चाहिए होगा, वो कहाँ से लाएंगे? अगर ये आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे और यहाँ से आपके एक्स्ट्रा लिया तो आपको सेटिंग नहीं होगा, आपको अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा ब्लाउज। तो इसके लिए जब आप कपड़े पर फर्मा कटिंग करने के बाद जब आप कपड़े पर इसकी कटिंग करें तो आपको यहाँ पे क्वार्टर इंच पूरा राउंड एक्स्ट्रा लेना होगा और इस राउंड को आपको स्टिचिंग में पूरा लगा देना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे आपको ये पॉइंट लगा देने होते हैं कि ये जो हमारा इतना पार्ट्स है ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, तो आप यहाँ पे इतनी स्टिचिंग में बस पूरा ये पार्ट्स आप लेंगे और इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे जैसे कि आलपिन लगा करके मैंने किया है, और ये जो पार्ट्स एक्स्ट्रा है इतना ही आप इसकी सिलाई करेंगे तो आपकी परफेक्ट सिलाई होगी, आपका प्रिंसेस कट पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो बाजू में झोल आने वाली जो बात काफी बहने कहती है, पता नहीं उनके झोल मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आता है। अगर आप फर्मा कटिंग करने के बाद वीडियोज को या ब्लाउज को कटिंग करोगे आपकी कभी झोल आने की संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम चांस रहेंगे। अगर आप अदरवाइज हमारे वीडियोस नहीं देख करके कटिंग करोगे तो मैं नहीं कह सकती कन्फर्मली, परंतु अगर आप वीडियोस को देखते हो और उनके बराबर में जैसे हम बताते हैं वैसे अगर आप कटिंग करते हो तो मैंने कम से कम मैंने लाखों ब्लाउज बनाए हुए हैं, बिल्कुल कभी कोई समस्या और नहीं है। जो मेरे सामने होती है सीखने वाली बहने और उनके जब समस्या आती है तो उनको मैं फटाफट में और समस्या को हल कर देती हूँ। तो ऐसा होता है, हो सकता है आ जाती है समस्या, कोई बात नहीं है, परंतु आप वीडियोस को देख करके आपसे जो त्रुटि होती है मिस्टेक होती है उसको आप देखें और फिर आप चेंजिंग करें तो आपकी कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे हमने जो क्योंकि छोटे पार्ट होते हैं ना यहाँ एक्स्ट्रा भी नहीं होंगे, यहाँ पे आपको इतना स्टिचिंग में एड हो जाएगा और ये हो गया। अब आपके बिल्कुल पूरे शोल्डर भी रहेंगे और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं होगा तो आपकी क्या होंगे, कहाँ पे झोल आएगा? तो इस प्रकार से आप कटिंग अच्छे से करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको थ्री पीस की फर्मा कटिंग देखनी हो तो आप ये जो मैंने कटिंग की है तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या आपके जो होते हैं ये पार्ट्स उनको आपको कैसे कटिंग करना चाहिए ताकि आपसे कोई प्रकार की त्रुटि ना हो।